हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है? कौन सी गति के नियम का ये एग्जाम्पल है? जड़ता के नियम का एग्जाम्पल है, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको बताना है तुरंत। 21 का जो आंसर हो जाता है बिल्कुल आपका आंसर है जड़ता के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्नायु तंत्र की ट्रंक लाइन निम्न में से किसे कहते हैं? इसमें से आपको बताना कि स्नायु तंत्र जो है इसकी ट्रंक लाइन है, इनमें से किसे कहते हैं? सूत्र युग्मन को कहते हैं, मेरुदंड रज्जु को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, या फिर गैंग्लिया को बोलते हैं। 22 में आंसर यहां पे होगा कौन सा? 22 का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा मेरुदंड रज्जु इज द करेक्ट आंसर। बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी है, जो स्नायु तंत्र है इसकी धड़ वाहिनी क्या है? हाइपोथैलेमी, साइनेप्स, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर गैंग्लिया। स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी किससे रिलेटेड है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है इसका? राइट आंसर है सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इंपल्सेस को ले जाने में एग्जॉन की क्या भूमिका होती है? नसों से दूर मस्तिष्क की ओर, हृदय से दूर हृदय की ओर। और ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक के आपके ऊपर कमेंट्स आते हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है उस दिन हर कोई आपसे पूछता है कि आपने कहां से, कैसे और किस तरीके से तैयारी की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और मेहनत करते जाइएगा, क्योंकि लोगों का काम है बोलते रहना, कमेंट करना, लेकिन आपका काम है कि आपको सिलेक्शन प्राप्त करना। क्योंकि दूसरों के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को भूल सकते हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को ध्यान रखिएगा। बाकी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। 24 का आंसर आपने अटेम्प्ट किया है मस्तिष्क की ओर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी शारीरिक प्रणाली जो है प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी गई है? जो प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी गई है कौन सी प्रणाली होगी? रक्त संचार प्रणाली होगा क्या? तंत्रिका प्रणाली, श्वासोच्छ्वास प्रणाली, पेशीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये केंद्र बिंदु जो माना गया तंत्रिका प्रणाली क्या है इसका? एग्जैक्टली राइट आंसर है बी उत्तर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 26 है, एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स, एक्टोमॉर्फ्स के रूप में शरीर प्रकारों का विभाजन किसका योगदान है? यह किसका योगदान है? क्रिस्मर का योगदान है, सेल्डन महोदय का योगदान है, प्लेटो, या फिर अरस्तु? आंसर जल्दी से अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, तो ये सेल्डन महोदय से रिलेटेड है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। बुद्धि अंक एक अनुपयुक्त बुद्धि मापन है जब बुद्धि डैश है कैसी? अधूरी, पूरी, मापने में मुश्किल, या फिर निरंतर कुशाग्रता। 27 27 तो ये बुद्धि क्या है? पूरी हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लोगों की भिन्नता विद्यमान है उसके शारीरिक बनावट में, मनोवैज्ञानिक बनावट में, कला तथा योग्यता में, सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में। 28 बताइए।
लोगों की भिन्नता विद्यमान है उसके किसमें? सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में। बिल्कुल डी ऑप्शन से रिलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक हैं क्या? आनुवांशिक घटक, वातावरणीय घटक, दोनों आहारीय घटक। 29। बिल्कुल आंसर अटेम्प्ट करते हैं आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग का आनुवांशिक घटक। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। और क्या दूसरा ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है? वातावरणीय घटक। वृद्धि और विकास की अगर बात की जाए तो आनुवांशिक घटक और वातावरणीय घटक दोनों रिलेट करते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिखलाई के नियम देने वाला कौन है? ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है नियम? मॉर्गन महोदय के द्वारा, जेबी वॉटसन महोदय के द्वारा, थांडाइक महोदय या फिर पावलाव? यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपके उत्तराखंड पीटीआई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एल्टी ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, और आपका जो एग्जाम होने वाला है टीजीटी का, इसमें भी साइकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 का आंसर क्या होगा? थांडाइक से तुरंत टिक लगाइएगा, सीखने का नियम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? 31, इसमें थांडाइक न टिक लगाइए, ध्यान दीजिए। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी जो रिलेट करता है आपका ए ऑप्शन ही पावलाव महोदय से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। बीजे क्रट्टी एग्जाम्पल जो प्रतिपादित किया गया, यह अध्ययन किसके द्वारा, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? मैकडुगल, थांडाइक, क्रुक्स और स्टेंट। ये क्रुक्स और स्टेन से रिलेट करता है क्या? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? जो प्रकृतिवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। प्रकृतिवाद के जनक की अगर बात की जाए, प्लेटो, जॉन डीवी, अरस्तु या फिर रूसो? 33। तो प्रकृतिवाद का जनक कौन है? यहां पे रूसो है, इसके डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 34 नंबर। 1953 में भारत में सबसे पहले व्यवस्थित खेल कोचिंग का प्रोजेक्ट जो है, यह किसने प्रस्तुत किया था? यह जो प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, राजकुमारी अमृत कौर ने प्रस्तुत किया था, पीएम जोसेफ या फिर सर दोराबजी टाटा? बताइए। 1953 की बात की जा रही है, 34 नंबर में, यहां पे बी ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ? यह कौन से वर्ष शुरू हुआ? 1960 में, 1963 में, 1965 में या फिर 1970 में? तो भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग राइट आंसर अपना अटेम्प्ट कर दिएगा, 9621819209। जो भी क्वेश्चंस आपका, जो भी आपकी क्वेरी हो, तुरंत आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी क्वेरी को वहां से सॉल्व करा सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। डेली का डेली मॉक टेस्ट आप ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करेंगे, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है क्या? अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्रिका मांसपेशी समन्वय का विकास, शारीरिक क्षमता का विकास या फिर खेल कौशलों का विकास? क्या शारीरिक क्षमता का विकास रिलेट करेगा? दो आंसर, तीन आ चुके हैं। जल्दी से, और स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। सी ऑप्शन इसका क्या है? शारीरिक क्षमता का विकास से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के पास बच्चे को विकसित करने का निम्न की तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं है, कौन सा बेहतर तरीका नहीं है? शिक्षा, खेल, अनुशासन, सृजनात्मकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया था इसके पहले आपका खेल माना गया था। तो देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों का बी ऑप्शन आता है, कितने लोगों का यहाँ पे सृजनात्मकता से रिलेट करता है, या फिर शिक्षा से रिलेट करता है, या फिर अनुशासन से रिलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, और इन क्वेश्चन में आपका जो होता है या तो उसको कॉमन कर दिया जाता है आंसर को, या फिर दो दो आंसर सही हो जाते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ, तो ये अध्यापकों का जब प्रशिक्षण शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, 1957, 1920, 1914 या फिर 1960 में। भारत में बात की जा रही शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1920 से, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन में भले ही पोस्टें कम हैं, लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, और सिलेक्शन होने के बाद आपके सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। आप इसके बाद एलटी ग्रेड की वैकेंसीज के लिए भी तैयारी तुरंत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है जब आप एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण भारत में सर्वप्रथम मद्रास यानी चेन्नई से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब बनी थी, तो इसका जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनी थी ये कब बनी थी, 1954, 1953, 1952 या फिर 1951 में बनी थी, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है ए ऑप्शन, 1954 में बनी थी, ए उत्तर राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ इस वीडियो के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तुरंत व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकता है, और पेमेंट करके आप लोग पेड ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं।